दोस्तों, मैं रिलाज आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। कल मैंने आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया था, तो उसका वो फर्स्ट वीडियो था। आज ये सेकंड वीडियो है। टोटली इतने ही होते हैं जो भी ब्रांचेस हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव या एकेडमिक कोई भी एग्जाम होता था, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, लगभग टोटली इसी में से आ जाते हैं सब। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए इस एक दो कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट है जू जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ओवर द अर्थ। हम अपनी पृथ्वी पे जो मनुष्य है, पृथ्वी पे कहाँ कहाँ रहता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पृथ्वी काफी बहुत बड़ी है, तो उसमें किस तरीके से कौन कौन सी प्रजाति रहती है, इस तरीके से जो भी एनिमल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है जू जियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। जू मीन्स एनिमल, जियोग्राफी मीन्स जो भी इसका अर्थ का है, अर्थ को एक जियोग्राफी मानो इसका स्टडी किया जाता है। फूड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर प्रोसेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। हम अपने भोजन को, इसको भोज्य विज्ञान भी कह सकते हैं, फिर हम अपने भोजन को किस तरीके से अच्छा रख सकते हैं, उसको कैसे किस तरीके से प्रिजर्व या उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व रख रखाव ताकि वो खराब ना हो, जैसे फ्रिज में हम रख सकते हैं उसको गर्म करके। इस तरीके से जो भोजन का अध्ययन है उसको हम फूड टेक्नोलॉजी में, जो भी है इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है आप लोगों को है। थर्ड है सिल्वीकल्चर, मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल फॉरेस्ट। इसमें जो है मैं जंगल का जो भी है, किस कहाँ कहाँ जंगल किस तरीके से रहने हैं, उनका रख रखाव किस तरीके से, रख रखाव मीन्स कि पेड़ पौधे कहाँ लगाने हैं, वो कटने ना पाए, सुरक्षा, ये सब चीजें जो आपके इसमें आ जाएंगी सिल्वीकल्चर में। ओलेरीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का अध्ययन जो होता है उसको ओलेरीकल्चर कहते हैं। ओलेरीकल्चर में अपने जो सभी भोजन बनाते हैं, तो सब्जियां वगैरह, तो उसका पूरी तरीके से अध्ययन, जो किस तरीके से सब्जियां को रखना है, बनाना है, ये सब पूरी जानकारी आपको ओलेरीकल्चर में मिलेगी। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जो भी हैं ऑर्गेनिज्म है, जीवित एनिमल या फिर आपके प्लांट जो भी हैं, इनका जो बाहरी संरचना जो होती है उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, साइंस कनेक्टेड विद केमिस्ट्री, कंपोजिशन, केमिकल नेचर, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री हम आप इसमें जो रासायनिक तत्व जो होते हैं, जो कि हमारे कुछ शरीर में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, जिंक या फिर इस तरीके से पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, तो उनका जो अध्ययन है हम इसको बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। कि हम आयरन वगैरह है जो कि ब्लड में पाया जाता है, इस तरीके से जो पूरा अध्ययन होता है, आयरन जो भी तत्व, हमारे जो तत्व का अध्ययन है वो भी बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो भी मतलब जीवित, जो जीवित पदार्थ है उनमें। बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। जो भी जीवित, एक हिसाब से ये भी जो जियोग्राफी से रिलेटेड ही है, तो बायोजियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, जीवित जंतु का और प्लांट का ही डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें बायोजियोग्राफी में किया जाता है। बायो मीन्स जन, ये जीव हो गया, दोनों आ जाएंगे इसमें, सिर्फ एनिमल आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल होता है इसमें, इसमें टोटली बायो एनिमल और प्लांट दोनों आ जाते हैं। सेम अब साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, मनुष्य के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका है, तो उसका जो अध्ययन है हम लोग साइटोलॉजी में कहते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स, जो भी हमारे कोशिका होती है उसके क्या क्या कार्य हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और ये किस तरीके से हम बॉडी का स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनल्स जो भी हैं, ऑर्गेन्स वगैरह बनाती हैं। मनुष्य की सबसे छोटी इकाई जो सेल है उसी का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट,
हम और हमारे जो इन्वायरमेंट है, इसके बीच जो रिलेशनशिप है, वातावरण, जंतु और वातावरण के बीच जो रिलेशनशिप है, संबंध, उसको इकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू टेक हैचिंग और बर्थ, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान जिसको हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहते हैं। इसमें डेवलपमेंट किस तरीके से विकास होता है, और जिसे मुर्गी वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, हैचिंग होता है, मैम जो कि मैमल्स हैं में बर्थ होता है, बच्चे का बॉर्न होता है। तो इस तरीके से जो इसका डेवलपमेंट स्टेज, जायगोट वगैरह जो भी इस तरीके से आगे लगा के हैचिंग या बर्थ तक पूरा जो है स्टडी एम्ब्रायोलॉजी के अंतर्गत आती है, जिसको भ्रूण विज्ञान कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हॉर्मोन्स, जो हमारे हमारे बॉडी के अंदर काफी सारी ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उनका जो अध्ययन है आपका एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, थायराइड हुई, ये बहुत सी हमारे अंदर ग्रंथि पाई जाती है, हार्मोन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर है, तो सभी हार्मोन्स और ग्लैंड का अध्ययन जो है एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत होता है। एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ग्रेड्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ स्पीसीज, इवोल्यूशन विकास, मनुष्य किस तरीके से विकसित होता चला गया, इसका जो है अध्ययन इवोल्यूशन में किया जाता है। हमारे जो पूर्वज, सभी जो भी पूर्वज लोग थे तो कैसे चलते थे, अब कैसे हैं, और क्या क्या विकास हुआ है, इसका पूरा जो अध्ययन है इवोल्यूशन के अंतर्गत होता है। बंदर जो है, पूर्वज लोग थे तो उन चार पैरों पर चलते हैं, उनके पूंछ हुआ करती, तो ये सब आज के मनुष्य में नहीं पाई जाती हैं, सब क्या हो गई हैं, एक्सटेंट हो गई हैं, मीन्स जो भी हमारी बॉडी ऑर्गन या कुछ भी होगा इसका यूज नहीं करेंगे, वो एक्सटेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी विकास हुआ है तो उसका जो होता है इवोल्यूशन में किया जाता है, स्टडी उसकी की जाती है। एक जो बायोलॉजी, लाइफ ऑन अदर प्लेनेट, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, इस तरीके से दूसरे ग्रह पे जीवन है या नहीं है, इसका जो है अध्ययन आपके इक्जोबायोलॉजी में करते हैं। इक्जोबायोलॉजी में जैसे मंगल ग्रह पे कुछ वाटर की बूंदे मिली हैं तो उस तरीके से वहां पे जीवन संभव है, इस तरीके से जो भी है पूरा अध्ययन हम लोग इक्जोबायोलॉजी में आप करते हैं। हिस्टोलॉजी, टिश्यू एंड माइक्रोस्कोपी, टिश्यू जो है ऊतकीय, ऊतक जो है सेल का, सेल जो सेल से मिलके उनको टिश्यू बनता है, टिश्यू को हम लोग टिश्यू का ही अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी में करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी मीन्स जो कि हम देख नहीं सकते, नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उस माइक्रोस्कोपी द्वारा टिश्यू का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। लिम्नोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड, लिम्नोलॉजी फ्रेश वाटर कहाँ, झील, तालाब, नदी, इस तरीके से जो इन सब का अध्ययन जो है लिम्नो बायोलॉजी में करते हैं। मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेस्ट टू फंक्शन, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल बाहरी संरचना जो होती है उसका अध्ययन हम मॉर्फोलॉजी करते हैं। मनुष्य या पेड़ पौधे का जो बाहरी संरचना होती है, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी होता है। ये इसमें मॉर्फोलॉजी बाहरी संरचना का अध्ययन हुआ, जैसे किस तरीके से क्या क्या है हमारी बॉडी के स्किन दिख रही है, जो भी दिखाई दे बिना मतलब कुछ किए ही बाहर से जो दिखाई दे, उसका जो अध्ययन है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत होता है। लिविंग आर्मी मतलब जीवित जंतु या पेड़ पौधों के जो बाहरी संरचना का अध्ययन लोग मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मॉलिकुलर बायोलॉजी, फिजियो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बायोलॉजी, फिजियो केमिकल जो कि मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, इनकी केमिकल जो होती है ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे बायो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो इनसे मिला के काफी नए रिएक्शंस होती हैं जैसे, तो उन्हीं का जो अध्ययन है पूरा बायो मॉलिक्यूल्स में करते हैं। पेलियंटोलॉजी, फॉसिल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी टाइम, फॉसिल्स जो कि हम जीवाश्म जिसको कहते हैं हिंदी में है, जीवाश्म विज्ञान भी इसको कैसे बोल सकते हैं, जीवाश्म, जीवाश्म का अध्ययन जो है
किस तरीके से बहुत से पेड़ पौधे हुआ करते थे जो कि अब जीवाश्म के रूप में, डायनासोर वगैरह इस तरीके से जो कि अब जीवाश्म के रूप में फॉसिल्स के रूप में हमको अभी देखे जाते हैं। तो इन सब का तो अध्ययन है कि समय थे, टाइम पीरियड और ये सब चीजें जो है इनका अध्ययन पेलियंटोलॉजी में करते हैं, पेलियोजोलॉजी। और इसकी दो ब्रांचेस हैं जैसे पेलियोजोलॉजी और पेलियोबॉटनी। एनिमल का जो अध्ययन है फॉसिल्स एनिमल का, जीवाश्म जंतु का अध्ययन पेलियोजोलॉजी में करते हैं हम। जीवाश्म जो कि पेड़ पौधे हैं इनका अध्ययन हम लोग बॉटनी में करते हैं, जैसे फॉसिल्स एनिमल एंड फॉसिल्स प्लांट। फिजियोलॉजी फंक्शन एंड वेरियस ऑर्गेनिज्म विद इन द ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी की हमारी हर बॉडी का जो भी क्या क्या कार्य है, जैसे हमारे हार्ट होता है, लीवर, किडनी, इस तरीके से इनका क्या क्या कार्य है। इस तरीके से प्लांट में जाइलम, फ्लोयम, वेसल्स इस तरीके से सभी पाई जाती है, तो इनका क्या क्या वर्क है, यही सब पूरा जो अध्ययन है इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो हर एक ऑर्गेन्स का क्या वर्क है, ये सब इसका क्या वर्क है वो अध्ययन जो फिजियोलॉजी कहते हैं। इसमें जैसे आप सुने होंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे प्लांट रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ये सब क्या फिजियोलॉजी ही है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट डाइजेशन, ये सब सॉरी ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ये सब चीजें जो है आपके फिजियोलॉजी में आ जाती है। फंक्शन वेरियस ऑर्गन विद इन द ऑर्गेनिज्म। पैरासिटोलॉजी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटोलॉजी जो होता है वो परजीवी विज्ञान जिसको कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये देखा भी होगा, ये जो है आपके जो बेरी का पेड़ जो होता है उसपे अमरबेल या कस्कुटा उसको कहते हैं, वैज्ञानिक नाम कस्कुटा होता है, अमरबेल को देखा होगा उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये इसका जो अध्ययन है पैरासिटोलॉजी कहते हैं, मतलब परजीवी के रूप में रहता है उसके ऊपर है। अब ये इसी तरीके से सर जो भी होते हैं मनुष्य होते हैं में लीच आ जाती है, ये पैरासिटोलॉजी होती है। जूं आ जाता है, ये मतलब किसी के ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करना, जीवन व्यतीत करना, इसको पैरासिटोलॉजी कहते हैं। या परजीवी दूसरे के ऊपर निर्भर, इस तरीके से जो इसका अध्ययन है पैरासिटोलॉजी में करते हैं। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज इवोल्यूटरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी हम किस इस क्लासिफिकेशन करते हैं कि जैसे प्लांट हुए तो किस मतलब फाइलम में आएंगे, किस क्लास में आएंगे, इस तरीके से ह्यूमन का कौन सा फाइलम, क्लास ऑर्डर, ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूशन या क्लासिफिकेशन करते हैं एक साथ। ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से हम एक ही में पढ़ते चले जाएं, तो उसका कहीं ना कहीं पढ़ने की सहजता के लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसका अध्ययन क्लासिफिकेशन का अध्ययन जो है टैक्सोनॉमी में हम लोग करते हैं। जू पैथोलॉजी डिजीज ऑफ पैथोलॉजी, मनुष्य में जो जीवाश्म या सॉरी बीमारियां वगैरह होती हैं, इस तरीके से बीमारियों या उनके प्रति जो भी हम कैसे किस तरीके से सुरक्षित रहे, इसका जो अध्ययन है जो पैथोलॉजी में करते हैं। जो इसी ये सब ये जो पैथोलॉजी वगैरह जो इसे अगर अच्छे से आपको जानकारी हुई तो आप बीमारी या किस तरीके से जो भी अब हमारे ऑर्गेन्स जो हैं इंजरियस हो जाते हैं, इस तरीके से हम उनको बचाव कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इस तरीके से यही सब आपके एग्जाम से भी एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग जैसे चाहते हैं कि हम ब्लड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च करिए इंडोक्राइनोलॉजी, आपको सभी पूरी जो है जानकारी इंडो जो भी ग्लैंड है पूरी बॉडी या जो भी है सब पूरे मिल जाएगा आपको गूगल पे। इस तरीके एनाटॉमी अगर पढ़ना है तो एनाटॉमी आप डाल दीजिए, इंटरनल स्ट्रक्चर आप पूरा ए टू जेड आपको आ जाएगा। इस तरीके से आप ये बहुत अच्छी जानकारी है, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते, एक बार पढ़ लीजिए दोबारा फिर पढ़ लेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं आप लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यही आज सेकंड वीडियो है, टोटली इतने ही नॉर्मली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है अब इससे बाहर कुछ हमारे हिसाब से आना नहीं चाहिए, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें तो खैर इतने ही आते हैं। इससे बाहर एक फर्स्ट वीडियो पड़ा हमारे
चैनल पे इससे पहले वीडियो कल का है उसमें है और ये इतने हैं, इसी से बाहर कुछ नहीं पूछा जाता इसमें है। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।